मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। बजट में टैक्स स्लैब बदलाव से 17,500 रुपए का सीधा फायदा किसको? ITR भरने से पहले ही जाने। देश का बजट आ चुका है और केंद्र सरकार ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत देने का दावा किया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा, जो पहले से 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के दूसरे स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों में टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएगा सिर्फ उसे ही फायदा होगा। टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का सीधा फायदा। वित्त मंत्री, लंबे समय से टैक्स में राहत की मांग हो रही थी, इस बार उम्मीद कुछ ज्यादा थी। वित्त मंत्री ने निराश नहीं किया, क्योंकि नए टैक्स स्लैब से छोटी ही सही लेकिन एक राहत जरूर मिलेगी। जिन लोगों की आय 7 लाख रुपए तक है, उनके लिए ये राहत वाली बात है। बजट के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस बदलाव से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए का फायदा होगा। 2020 में पहली बार पेश हुआ था न्यू टैक्स स्लैब। साल 2020 में भारत सरकार ने पहली बार न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था, जो अधिकतर टैक्स पेयर्स को पसंद नहीं आया था। इसमें पिछले साल यानी साल 2023 में बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था। उसके बाद भी करीब 25% इनकम टैक्स पेयर्स ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया था। अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई टैक्स व्यवस्थाओं के तहत बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि इसके 1 लाख करने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसका फायदा सैलरीड क्लास को होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को बढ़ाया है। इसे 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। इससे 4 करोड़ सैलरीड कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। फैमिली पेंशन डिडक्शन पर 4 करोड़ वेतन भोगियों को फायदा देने का आंकड़ा सरकार ने बजट में दिया है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।